अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ सैफ ख्याल और आप देख रहे हैं द नॉलेज 110। आज हमारा टॉपिक थॉमस फेनी कैलकुलस 9th एडिशन का एक्सरसाइज 5.1, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको एक ग्राफ दिया होगा, आपने उस ग्राफ में शेडेड रीजन जो उन्होंने कवर किया होगा उसमें उसका आपने एरिया फाइंड करना है। इस तरह ये ग्राफ है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये इस तरह ग्राफ बना हुआ है। इसमें हमारे पास वाई 1 की इक्वल है और वाई एक्स कॉस स्क्वायर है। अब ये जो शेडेड रीजन है इसका हमने एरिया फाइंड करना है। पहले तो बाई रिमॉन सम में फाइंड करना है। पहले तो हम करेंगे कि हमारे पास ए 0 की इक्वल है, ग्राफ से हम देखेंगे, और हमारे पास बी पाई की इक्वल है। पहले रिमॉन सम का फार्मूला लिखते हैं। रिमॉन सम एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। पहले हम एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स पॉइंट करेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास किया है 1 और जी ऑफ एक्स हमारे पास किया है कॉस स्क्वायर एक्स। एरिया ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। ए टू बी एफ ऑफ एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसी में से हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वो निकालेंगे। अब जो कॉस स्क्वायर इधर ले आओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एरिया ए टू बी साइन स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। अगर हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो सिंपल ये फार्मूला होगा, उसमें क्या करें, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। सिंपल है, साइन एक्स में माइनस है, कॉस एक्स में प्लस है। एरिया ए टू बी 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 डी एक्स। अब हम 1 और 2 इसकी भी अलग अलग डिवाइड करेंगे। अब लिमिट रिपोर्ट करेंगे। हमारे पास ए 0 के बराबर है और बी पाई के बराबर हैं। इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 और 2, 1 पे 1 के नीचे 2 डिवाइड करो, माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 डी एक्स। आप इस पे अलहदा इंटीग्रेशन अप्लाई करो, इस पे अलहदा। इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 और 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 और 2 कॉस 2x। आप इसके लिए इंटीग्रेशन अप्लाई करो 1 और 2x, तो इसके साथ सिंपल x आ जाएगा 1 और 2 x 0 टू पाई माइनस 1 और 2 sin की जगह हमारे पास इसका फॉर्मूला है कॉस 2x। अब इस तरह अगर जो भी हो तो हम जो इसका ये 2 है ये नीचे डिवाइड करेंगे, यानी sin 2x डिवाइड बाय 2। अब cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, sin 2x डिवाइड बाय 2 0 टू पाई। अब ये पाई इसमें x पे पुट करो, फिर मैंने 0 पहले पाई पुट करते हैं, 1 और 2 पाई माइनस 1 और 2 0 माइनस एन टू 1 और 2, पहले ये पाए इधर पोर्ट करो, sin 2 एन टू पाए, ये 2 पाए अलग साथ नहीं है, 2 अलग है, पाए इसका एंगल है, डिवाइड बाय 2 माइनस 1 और 2। अब ये 0 पोर्ट करेंगे, sin 2 0 और 2। अब हमारे पास sin 2 थीटा का जो वैल्यू है, फार्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, ये अप्लाई करेंगे, 1 और 2 पाए माइनस 0 1 और 2 sin 2 थीटा यानी 2 पाई है। अब 2 sin थीटा cos थीटा, तो थीटा हमारे पास पाई की इक्वल है, तो 2 sin पाई cos पाई डिवाइड बाय 2 माइनस 1 और 2, 2 sin पाई cos पाई डिवाइड बाय 2। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, मैंने इधर भी लिखे हैं, ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पाई और 2 माइनस 0। अब 1 और 2, 2 sin पाई हमारे पास 0 की इक्वल है और कॉस पाई हमारे पास माइनस 1 की इक्वल है, तो साइन पाई की जगह 0, कॉस पाई की जगह माइनस 1। इधर भी ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई की जगह 0 और कॉस पाई की जगह माइनस 1। तो जब इधर भी 0 है इधर भी 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा और हमारे पास आंसर पाई और 2 होगा।